नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। भले ही कोरोना वायरस के बहाने सीएम कमलनाथ अपनी सरकार बचाने में लगे हों, मगर बीजेपी ने छाती ठोक कर ये दावा कर दिया है कि उसके पास बहुमत है और कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। यहां तक कि बीजेपी ने इस बात को सिद्ध करने के लिए राज्यपाल लालजी टंडन के सामने अपने 106 विधायकों की परेड कराकर राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग भी कर दी, जिसके बाद राज्यपाल ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट करवाने और बहुमत सिद्ध करने के लिए निर्देश दिए और कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। इसके बावजूद भी सीएम कमलनाथ फ्लोर टेस्ट कराने से पीछे हट रहे हैं और एक ही बात की रट लगाए हुए हैं कि हमारे 16 विधायकों को रिहा किया जाए जिन्हें बंदी बना लिया गया है। मगर जैसे ही बेंगलुरु में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही, उन्होंने कमलनाथ के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। बागी विधायकों ने साफ कहा कि कमलनाथ सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है, इसलिए मजबूरी में कमलनाथ सरकार का साथ छोड़ना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम बंधक नहीं है, अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं क्योंकि एमपी में मंत्रियों विधायकों से शक्तिशाली अधिकारी हैं, राज्य को सबसे बड़ा माफिया चला रहे हैं। बागी विधायकों ने आगे कहा कि ये सरकार दलालों की सरकार है, हम कोई काम लेकर जाते हैं तो हमारा काम ही नहीं होता। इसी बीच इन बागी विधायकों ने एक और ऐसा दावा किया कि सीएम कमलनाथ को और भी टेंशन में डाल दिया। मध्य प्रदेश में जारी फ्लोर टेस्ट पर घमासान के बीच बागी विधायकों ने दावा किया है कि पार्टी के 20 और विधायक उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और आने वाले दिनों में वो बीजेपी में भी शामिल होने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें कैद में रखा गया है। यदि वो भी बागी विधायकों के साथ होते तो कांग्रेस स्पष्ट रूप से टूट जाती और इस पर कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता था। तो भाई, गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि कांग्रेस ने जिन विधायकों को जयपुर में ठहरा रखा है, अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बेंगलुरु में आ जाएंगे। मैं कहता हूं कि हमारे जो विधायक साथी अगर जो जयपुर में है, जो कांग्रेस के हैं, उनकी अंतरात्मा से आप पूछिए, वो भी दुखी है लेकिन मजबूर है, अगर उन्हें खुला छोड़ दीजिए आधे भागकर बेंगलुरु आ जाए। गोविंद सिंह राजपूत जो दावा कर रहे हैं, क्या उनका दावा सच है और कांग्रेस ने जिन विधायकों को जयपुर में रखा है, क्या वाकई उन्हें घुटन हो रही है? क्या मुक्त होते ही इनमें से कुछ विधायक पाला बदलेंगे? गोविंद सिंह राजपूत के दावे में कितना सच है, कितना झोल है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल पाएगा। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझता है या फिर खुद राज्यपाल ही इस मामले पर कोई बड़ा कदम उठाते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।